महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते ही अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सांसद संजय राउत और अनिल परब की मुश्किलें बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है काफ़ी भयानक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना में विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। शिंदे का समर्थन करने वाली भाजपा भी सरकार में शामिल हो गई और देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बन गए। ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता गंवाने वाली महाविकास आघाड़ी को अब नई सरकार के द्वारा एक के बाद एक नया झटका दिया जा रहा है। शिंदे फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले को रद्द कर दिया गया है। अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो ठेका दिया गया था उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है अब जो है देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही एकनाथ शिंदे ने मिलकर रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम जल संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। चल रही परियोजना को लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए थी, इसके बावजूद 1 अप्रैल 31 मई 2022 के बीच 6,191 करोड़ रुपए की 4,324 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें से 5,020 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाले 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं। नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ रुपए के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि इनमें से किसी भी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण विभाग के आदेश में कहा गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निविदा प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले नई सरकार ने मेट्रो कार सेट को कांजूर मार्ग की जगह पर आरए में शिफ्ट करने का फैसला लिया था। साथ ही 567.8 करोड़ रुपए की नादेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया जिससे महाविकास के मोर्चे पर एक और बड़ा झटका लगा है। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है इस पर, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।